उमर भाई, ये 2017, 18, 19 इसमें जो बॉडी बिल्डर है, इसमें क्या फर्क आया है, क्या डिफरेंस है? ये जो आपके बॉडी बिल्डर में क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को लेके बात कर रहे हैं, किस हवाले से आप बात करना चाह रहे नहीं, हैं? इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि 2015 के बाद जो है ना, 18-19 के बाद जो है, वो काफी चेंज आया है इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग में। अब ये जो है बिलीव करना शुरू हो गए हैं ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, सप्लीमेंट और स्टीराइड का कम इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग पे। हाँ, पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग में बड़ी जिद्दत आई है, जैसे कि साल में, 1.5 साल में, 3 साल में जो है लड़के मिस्टर हो रहे हैं। तो ये है कि वो, फिर आपको पता है पाकिस्तानी हमारे जो बच्चे हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा मेहनती है, और साथ में जब स्टीरॉयड और सप्लीमेंट का जब ड्रग्स साथ में लगा है, उसके साथ अटैच हुआ, तो दे आर बूस्ट हो गए, एकदम बहुत ऊपर गए हैं। अब ये कि इंटरनेशनल लेवल में ये जो 2015 के बाद जो न्यू स्टडी है वो, उसमें काफी चेंज आया है। ये लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आ रहे हैं दोबारा फिर से, और सप्लीमेंट, स्टीरॉयड, ग्रोथ हार्मोन्स, इनका इस्तेमाल जो है ना वो इन लोगों ने कम कर दिया। पाकिस्तान में ज्यादा यूज कर रहे हैं ये चीजें, स्टीरॉयड, ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दो यूज। तो पाकिस्तान में ये चीजें 2014 और 15 में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ठीक है। तो अभी उसमें जो है टाइम लगेगा इसको, ये एकदम बूस्ट हो रही है ना ये चीजें, अभी वो चढ़ता सूरज है। तो फिर वो जो जो होली होली ऐसा ऐसा इनके साइड इफेक्ट लोग देखेंगे, कुछ हम जैसे लोग आके बता रहे हैं कि ये चीजें अभी जो है ना करें जरूर, पर लिमिट में रह के करें। अभी पाकिस्तान में के अंदर जो है इसकी बहुत ज्यादा जो है ना इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि ये एक नुकसानदेह भी होगा। जब तक ये बच्चे देख ले 15, 16, 17, 18 के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन बहुत बॉडी बिल्डर फोत हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में गार दे, और पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना जी के बता रहे हैं, ये वाहद आप ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो इसके साइड इफेक्ट बताते हैं, उसके सप्लीमेंट के हो गया, स्टीराइड के हो गया, इसके साइड इफेक्ट बताते हैं। बाकी जो भी है, कोई भी है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो कोच है, कुछ भी है, उसने बस यही कहना है जी बच्चे ने 1 माह उसे आते हुआ नहीं है, तो ट्रेनर यही बोलना है जी ये सप्लीमेंट यूज करो, ये वाला प्रोटीन लो, ये चीज खाओ, ये स्टीराइड लगाओ, इस तरह की चीजें बता रहे होते हैं। पता है सबसे पहले जो है, पहले कई टीचरों से भी बात हुई है, देखा भी है, सबसे ज्यादा जो इसमें कसूरवार है ना वो बच्चा है। उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है ना वो देखते हैं, 3 महीने में ट्रांसमिशन, बॉलीवुड की मूवीज देख लें, 6 महीने में आया होता है, 7 महीनों में किसी ने अपनी बॉडी को चेंज किया होता है, तो वो बड़ा फर्क पड़ता है। उस्तादी वो देखे, वो लड़का तो 6 महीने में बन गया, मैं कैसे करूंगा, तो वो फिर टीचर मजबूर हो जाता है। फिर वो सबसे ज्यादा जो है कसूरवार वो बच्चे हैं, सब्र नहीं है, ठीक है, बैलेंस लाइफ नहीं है उनके, उसके उनके जेहन में यही होता है कि मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊंगा, या मिस्टर लाहौर, या मिस्टर पंजाब बन जाऊंगा, तो मेरी दुनिया जो है बदल जाएगी, पैसों की रेल फेर होगी, लोग इज्जत करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है टीचर जो, अब टीचर की बात करें, टीचर मजबूर है, मैं इनको कम कसूरवार इसलिए ठहराता हूँ कि ये अगर आप नहीं देंगे तो ये किसी और के पास चले जाएंगे, वो नहीं देगा किसी और के पास चलेंगे। अभी जिमों के अंदर ये है कि आते साल पहले पूछते हैं, हाँ जी सामान वगैरह, आपको यूई की बात बताता हूँ, मेरा मेरा काफी एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो मैं आते साथ वो कहते हैं, हाँ शू कैप्टन फी सामान इंदिक दाखिल प्रतीन स्टीराइड जरबा मौजूद, वो आते साथ जो है यही चीजें पूछते हैं कि स्टीराइड है तेरे पास, सप्लीमेंट सारा सामान तेरे पास है, मैं आ रहा हूँ कल से, कितने पैसे साथ अच्छा लेके आऊँ। और पाकिस्तान में भी इसी तरह ही हो रहा है अब, ठीक है उस्ताद जी, हम मुझे भी ये लगाएं, सब लोग लगा रहे, कोई नहीं मरा, तो ये इनको भी लगा रहे हैं तो मुझे भी लगाए। मैं कई ऐसे लड़कों से मेरी बात भी हुई है, कहते हैं हमने खुद ट्रेनरों को बोला है जो है ना कि हमें भी ये स्टीरॉयड वगैरह लगाए, सप्लीमेंट बताए, तो इसमें जो ज्यादा कसूरवार है ना वो कस्टमर है, टीचर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये ओपन वेट क्या है? ओपन वेट ये होता है कि लाइक सारे एक वेट में खड़े हैं, जैसे कि वेट कैटेगरी बनती है ना, 55 है, 60 है, 75 है, 85 है, ठीक है, 90 के पास जो है वो ओपन वेट हो जाता है, कि लाइक कोई 110 किलो का है, 115 किलो का है, पाकिस्तान के लिहाज से वो 90 के पास जो है 100+ आ जाता है, उसमें कोई 105 है, 115 है, 120 है, 125 है, वो एक ही क्लास में आएगा। लाइट वेट बॉडी बिल्डर ये होते हैं कि 70 की क्लास बना देती है, 175, 80, वो उतने वेट के जो जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं ना वो सिर्फ उसी वेट के अंदर ही प्रैक्टिस
पार्टिसिपेट करते, उसमें जो 1 किलो 2 किलो का फर्क होता है वो फिर अलग से क्लास हो जाती है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल में अगर आप देखें तो वो हैवी बॉडी बिल्डर जितने भी है ना, वो ओपन वेट में खेलते हैं, उसमें चलो वेट कैटेगरी नहीं होती, वो जस्ट चले जाते हैं कि हमने इसमें खेलना है, उसमें उनको पता होता है कि ये इतने वेट का है, ये इतने वेट का है। वहां पे होता है मसल क्वालिटी, जो बच्चे भूल जाते हैं कि हमने ओपन वेट में खेलना है, वहां पे सिर्फ मसल क्वालिटी देखी जाती है, मसल प्रोपोर्शन देखे जाते हैं, मसल कंप्लीट किसके हैं, राउंड राउंड किसके हैं, 3D लुक किसकी आ रही है, किस पे घोष ज्यादा है। उसमें ओपन वेट के अंदर ये नहीं होता, वो सिर्फ ओपन वेट एक नाम है, ठीक है, उसके अंदर देखा मसल क्वालिटी जाती है, किसके ऊपर किसने मास कितना कैरी किया होता है, किसके बाजू कितने बड़े हैं, उसके ऊपर घोष कितना है, राउंडनेस कितनी है, उसकी लेंथ, उसकी वीक पॉइंट, वो सारे देखे जाते हैं। तो उसमें जो सबसे खूबसूरत होता है वो जीतता है। ये ओपन वेट है, यानी कि 90 से जो अबव है वो चाहे 95 का है, चाहे वो 100 का है, 120 का है, 130 का है, वो सभी ओपन में ही आएंगे। जो जी बिल्कुल 90 से नीचे है, 90 से जो नीचे जितने भी है उनकी क्लासेस होंगी, जैसे जी, उनकी वेट कैटेगरी साठ होगी, वो लाइट, पैंसठ। वो लाइट वेट बॉडी बिल्डिंग में आएंगे, लाइट वेट बॉडी बिल्डिंग सही है। कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, मसल कैसे गेन करें? मसल गेन करना है उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टेक्निक है, उसके अंदर रेस्ट है, उसके अंदर फैट का बड़ा हिस्सा है बहुत ज्यादा, कि जो कि हम लोग जो भूल जाते हैं, हम लोग प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं और उसके बाद ओवर ट्रेन करते हैं, खाते बहुत ज्यादा है, उसमें रेस्ट का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है, मसल गेन करना, उस हिस्से की ट्रेनिंग करना जहां पे आपका वो मसल नहीं बना हुआ, खाली उस हिस्से की भी ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल गेन होना ही होना है। आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो मसल गेन होगा, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि लाइक जिसे हम ओवर कर देते हैं, जिससे मसल थका रहता है, उसको जो है रेस्ट रेस्ट नहीं मिलता, उसको सुकून नहीं मिलता, तो मसल गेन हो सकता है बड़ी आसानी से टेक्निक के साथ, सब्र और बर्दाश्त के साथ। जो हम पाकिस्तान है, जो न्यू कमर जितने भी है, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है, जो हाँ न्यू बिल्कुल, कमर में नहीं है, सबर नहीं है, वो सबर कहते नहीं हैं जी है, सबर मैं नहीं है। ऐसे जिम में एंटर हुआ हूँ तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो बस मैं बॉडी बिल्डर बन के निकलाऊंगा। और फिर उसके हिसाब से वो दो दो तीन तीन घंटे ट्रेनिंग करता है। अभी के 20 से 25 25 मिनट की ट्रेनिंग में आपको 24 घंटे का रेस्ट चाहिए। ये देखे, मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी वेस्ट हो रही है, मैं दिमाग से सोच रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसको भी कैलकुलेट किया जाता है मसल की रिलैक्सेशन में, आपके रेस्ट पीरियड, ये इसमें ये भी अकाउंट होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रेस्ट लेंगे, लाइट ट्रेनिंग करेंगे, टू दी पॉइंट करेंगे, जैसे कि एक मसल आपका बन चुका है, उसको छोड़ दे, नेक्स्ट मसल की तरफ आए, ठीक है, उसको ट्रेन करने की कोशिश करें, उस पर जो है इंटेंसिटी, वॉल्यूम, जो भी आप जितने भी बॉडी बिल्डिंग के वॉल्यूम है वो उस पर अप्लाई करें, जितनी भी जरबे तफरीके हैं उस पर डालें तो वो बनेगा। अच्छा, ये वेट कैसे गेन होता है? वेट और मसल में क्या फर्क है? बॉडी बिल्डिंग का वेट वेट से कोई लेना देना नहीं है। देखें, वो हैवी वेट में जाना चाह रहे होते हैं, पर हैवी वेट का मतलब ही नहीं पता उनको। हैवी वेट में ये होता है कि एक दो बंदा कर कर के उस लेवल पे जाता है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो 19-20 साल उसको लगते हैं जवान होने में, तो ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। इसी तरह मसल है, मसल जो है कर कर के बड़ा होता है, ये लोग इसको पुश करते हैं टीके, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट दे दे के, ओवर ट्रेन कर करके, ओवर ईटिंग कर करके, तो वो हैवी वेट में जाना चाह रहे होते हैं कि ओवरऑल टाइटल, शोहरत के लिए भाग रहे होते हैं। वो टाइटल ले लें हम, वो टाइटल मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमने तो कुछ उखाड़ लिया इतने टाइटल लेने के अच्छा, बाद। तो ये ज्याती करते हैं अपने साथ। असल में जो है ना आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि आगे मैंने भी बताया कि ये लफ्ज हो रहा है, उसका जो मीनिंग है वो भी हो रहा है। लीन मास, मसल मास क्या है? लीन किस चीज को बोलते हैं? लीन मसल मास क्या होता है? लीन मसल मास ये होता है कि जो आप जब स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है उनको कहते हैं कि लीन मसल मास इसने कैरी किया हुआ, जिसके अंदर फैट नहीं है, ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं है, तो उसको वो लीन मसल मास कैरी किया हुआ, कि ड्राई है, फुल ज्यादा रोस्ट हुआ हुआ है, तो उसको लीन मसल यानी मास कि कहते हैं। फैट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मसल ही मसल है। सिर्फ मसल ही मसल है, बिल्कुल। तो लीन मसल मास जो है ना बड़ा टाइम लेता है, इधर इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जो है ना बड़े
ये स्टूपिड हरकतें देखी गई हैं। अभी के लास्ट दिनों के अंदर पैट्रिक मोर था, ठीक है, वो उसने अभी नया आ रहा है, टॉप 10 पे आया है, तो कहता है मैंने तकरीबन 6 महीने में 5 LB जो है ना मैं बढ़ाया हूँ। इम्पॉसिबल, वो आया बुरी तरह पिटा, आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर देख लें, लीन मसल मास कैरी करना ये साल 1.5 साल का पीरियड होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो है हम लोग बॉडी बिल्डर जितने भी हैं फैट लेते ही नहीं। एक सिंपल सादा सा जो है फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कार्ब, प्रोटीन और फैट, ये जब तीनों मिलेंगी तो फिर आपका जो है वो मसल मास बॉडी में कन्वर्ट होता है, और फैट भी वो जो बुरी तरह है, जो स्टे हो जाती है, जो मसल के साथ जाके चिपक जाती है, वो वाली फैट। बॉडी बिल्डर तो वो वाली फैट खाते ही नहीं, ये तो खाते हैं, राइस भी खाएंगे तो ब्राउन, ब्रेड भी लेंगे तो ब्राउन, ठीक है, अगर ये वो चिकन भी ले रहे हैं वो भी लीन, तो मसल मास कैसे कैरी करेंगे। बस ये स्टेप बाय स्टेप है, हर चीज की तीन क्वालिटी है, फैट है उसके अंदर अच्छी फैट है, एक बुरी फैट है, ठीक है, एक होती है जाते साथ जो हजम हो जाती है, तो जो थर्ड है ना जो बैड फैट है, जब वो जाके स्टोर होगी उसके साथ प्रोटीन मिलेगी, जाके प्रोटीन का मॉलिक्यूल मिलेगा जाके, तो फिर वो बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ये देख ले बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे सारा वही कुछ खा रहे हैं जो ऑलरेडी लीन है, लीन प्रोटीन, लीन मास, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वो भी ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर, एग खा रहे हैं वो भी उबले हुए, ठीक है, वो जर्दी भी निकाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, बीफ ले रहे हैं वो भी उसके अंदर बगैर फैट के, तो ये इसी इधर ही रहेंगे। मुझे मेरा जिसने कैरियर देखना है वो देखे मेरे वीडियो फेसबुक पे जाके देखे, हर तस्वीर में फर्क है, हर तस्वीर में फर्क आ रहा है, और मुझे कहते भी होते थे सारे, मैं जाम बटर फ्राई एग्स फुल पूरे पूरे सैंडविच पाए, और सुबह घर का सालन अच्छी तरह बिरयानियां सब कुछ खाता था, क्योंकि मुझे तब छोटी उम्र में पता चल गया था कि फैट के बगैर आप मसल जो है बढ़ा नहीं सकते कभी भी, ये बात याद रखिएगा। आपको आपको टीचर अच्छा मिल गया ना, जिसने आपको बता गाइड करता रहे, आपको लेके चलते रहे। यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सब बिल्कुल एक जैसे ही है। वो को टी ट्रेनर भी वैसे हैं, ट्रेनर भी वैसे हैं, और आगे से बच्चे भी वैसे ही हैं। पता है क्या, बच्चों को जल्दी बड़ी होती है, ठीक है, एक उसमें गेनिंग में भी बड़ी जल्दी है, और उसको कटिंग में लाने में भी बड़ी जल्दी है, तो फिर टीचर कहता है कि लीन ही रहो भाई, 6 पैक दिखेंगे मेरी जान छुटी रहेगी। इसमें 6-7 महीने लगते हैं आपको, 8 महीने लगते हैं आपको स्टोर करने में, 8 महीने कौन वेट करेगा जी, आप करेंगे? कोई भी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब अगर करूंगा तो मैं कहूंगा जी, मैं जिनसे ऐसे बाहर निकला हूँ मेरे मसल फुल हो गए। मैं अपने आप को खुद कहूंगा ये कि एक जी मैं बड़ी बहुत लंबी बड़ा बात। डिस्कशन है, ये जो है ये बच्चे नहीं समझेंगे। हाँ ये है कि जो समझ जाएगा इसको स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो कामयाब भी होगा, उसकी सेहत भी बची रहेगी, उसके पैसे भी बचेंगे, उसका टाइम भी बचेगा। वो ही जो फजूल टाइम है जाके स्टडी करें, आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाना है, आपको इंग्लिश ही नहीं आती, आपको समझ ही नहीं आती आपने फॉर्म कैसे फिल करना, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। यही जो बच्चे आपको ग्रेसिव नजर आते हैं ना हार्ड टाइम, ओ मेरा उस्ताद जी मैं किधो बनाऊंगा, उन्हें कहो बेटा नमाज पढ़ो, इबादत करो, ठीक है, इंडिया में भी लोग मेरी वीडियो देखे हैं, अपने अपने धर्म को सलाम, जाके गिरजेघरों में सुकून लें, स्टडी करें, ठीक है, नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है, नहीं पढ़ सकते, बॉडी बिल्डिंग ही पढ़नी शुरू करते हैं, यूट्यूब पे बड़े बड़े अच्छे चैनल है, न्यूट्रिशन सुने, खाली न्यूट्रिशन नहीं सुने, साथ में ट्रेनर भी देखें, उसके बाद जो स्पोर्ट ड्रग्स है वो देखें, कोई हुनर सीख लें, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर फ्यूचर नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, वो बच्चे का सपना टूट जाता है जो मिस्टर पाकिस्तान बन जाता है, उसके बाद जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है, कैसे मिले, इसमें फ्यूचर नहीं है, एक पार्ट टाइम शौक है। बच्चों को ये भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई स्कूल पढ़े, स्कूल जाए, अपनी तालीम आ सके, नहीं पढ़ सकते कोई हुनर सीख ले, कोई मोटर मैकेनिक बन ले, कोई वेल्डिंग का काम सीख ले, कोई लकड़ी का काम शुरू कर ले, कोई शेफ बन जाए तो बड़े काम है करने वाले, कोई खरादिए का काम कर ले। अच्छा उमर भाई, ये 3D जो होती है राडनेस, 3D लुक, ये क्या है? 3D लुक, 3D लुक उसको हाँ कहते हैं कि जो ऐसे भरा होता है, यानी कि कोई वीक पॉइंट जो उसका है ना नजर नहीं आ रहा, लाइक लेटेस्ट मिसाल फिलीट है, उसकी बॉडी के अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं है, उसका पूरा जो हड्डियों का हिस्सा है ना वो गोश्त से भरा हुआ है, कोई मसल उसका खाली नहीं है, इसको 3D लुक कहते हैं,
कि जो मांस जो है हड्डी के ऊपर जो मांस से भरी हुई है ना, बोटी उसके ऊपर और राउंड ऊपर से, और ये अंदर हड्डी है, उसको 3D लुक कहते हैं, कि ये बंदा 3D है। जिधर से भी देखोगे ना वो सेम ही नजर आएगा आपको, जिस एंगल से भी देखोगे वो गो से भरा ही नजर आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, जब वेट बढ़ता है तो क्या उससे मसल बढ़ता है? अगर इंसान, एक इंसान का वेट बढ़ रहा है तो उससे मसल भी बढ़ेगा या नहीं वो फैट ही होती है? नहीं वेट देखो, वेट पता क्या होता है, वेट जो होता है वो होता है आपके हड्डियों का, आपकी कितनी हाइट है, ये समझते जाना, पॉइंट है, पॉइंट वाली बात है, आपकी हाइट कितनी है, आपके हड्डियां, फिर उसके बाद दिल, जिगर, आंतड़े, बाल, सर के बाल, जिस्म के बाल, ठीक है, आपने जो मसल मास कैरी किया होता है, अच्छा लीन मसल मास जो अंदर हमारे, जो अंदर का हिस्सा है, जैसे कि दिल है, गुर्दे हैं, आंतड़िए हैं, जिगर है, ठीक है, आपके अंदर के जो अज़ा अल्लाह ने जो बड़े इंपोर्टेंट, दिमाग है, तो ये अगर वेट बढ़ेगा तो आपके मसल मास बढ़ ही नहीं सकते। मसल और चीज है भाई, जो बॉडी बिल्डिंग में जिसकी तारीफ है ना वो कुछ और है। देखिए अभी 300 300 पाउंड के, 400 पाउंड के, 600 पाउंड के, 700 पाउंड के, अमेरिका की सीरीज देखे हो, जो फैट फैटी लोग होते हैं उनके मसल मास तो होता ही नहीं है, फैट ही होती है उस पे। मसल मास जो होता है वो बड़ा लीन होता है, बड़ा छोटा होता है वेट। अच्छा, ट्रेन होने में और ट्रेन करने में क्या फर्क है? एक बंदा ट्रेन कर रहा है और एक ट्रेन है, इसमें क्या फर्क है? ट्रेन करने में ये होता है कि उसको हर चीज देखनी पड़ती है, ये खड़ा कैसे है, बैठा कैसे है, उसको इसकी बिहेवियर का पता होना चाहिए, एटीट्यूड का पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इससे मैं क्या काम ले सकता हूँ, ठीक है, ये किस कैटेगरी की, इसकी बॉडी की शेप क्या है, ठीक है, ये मॉडलिंग में आएगा, बॉडी बिल्डिंग में आएगा, ठीक है, या ये आप कह लें कि वेट लिफ्टिंग कर सकता है, ये ट्रेनर की मिसाल इसी तरह है कि उसको बंदे की पहचान होनी चाहिए। अब मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि बड़े बड़े अच्छे जो बॉडी बिल्डर है ना वो फिजिक खेल रहे हैं, मॉडलिंग खेल रहे हैं, ना मुंह ना मथा, फिजिक के लिए या मॉडलिंग के लिए आपका जो है 50 नंबर आपके फेस के हैं, आपके फीचर हैं, आपके नए नक्शे हैं, आपके नाक, आपके होंठ, आपके फेस की कटिंग है, बात समझ आ रही है? तो बॉडी तो भाई, बिल्डर की आप 50 नंबर उनके कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा कोई पाकिस्तान में इतना कोई खूबसूरत मॉडल हो। भाई जो बिल्कुल डब वही ना खरबे हैं ट्रेन, वही मॉडलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सिर्फ सिक्स पैक को समझते हैं कि ये बंदा मॉडल है जिसके बंदे के सिक्स पैक है वो मॉडल है, पर इस तरह नहीं है, इसी तरह नहीं है कि जो ट्रेनर, अगर कोई बंदा ट्रेन कर रहा है ना उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा किस कैटेगरी का है, ये वेट लिफ्टर बन सकता है, बॉक्सर बन सकता है, स्विमर अच्छा बन सकता है, बॉडी बिल्डर बन सकता है, ठीक है, या क्लासिक फिजिक में ये अच्छा जा सकता है, ठीक है, और या ये वो कह रहे हो कि मैन फिजिक में जा सकता है तो उसको हो सकता है, पता हो सकता है। अच्छा उसके बाद जो है ट्रेन तो इसी तरह के मजदूरी की तरह है, हाँ जी, पांच ताप ये चौके इधर सट दे, इधर आले इधर छोड़ दे, या 600 ईंट उत्ते छाते ला दे, बात समझ आ रही है, मजदूरी वाला काम है। अच्छा, कम से कम कितना टाइम लगता है अगर एक बच्चा मेहनती है? कम से कम कितना टाइम लगता है उसे उसका मिस्टर होने में? तो मिस्टर कौन सा मिस्टर होगा? ये अपने शहर का हो जाए, मिस्टर पंजाब हो जाए, कोई सुबह का हो जाए, अब तो भाई, पाकिस्तान के अब तो उसको भी पैसों की बता सारी देना। गेम है, अब तो पैसों की सारी गेम है, आप जितने ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उतने ज्यादा होते जाएंगे, लाइक जैसे बच्चों को कह रहे, बच्चों को मेहनत, हाँ ओल्ड स्कूल में देखा जाए तो उसमें जो है 6 6 7 7 साल लग जाते हैं लीन मसल मास, ओरिजिनल मसल मास कैरी करने में, जो फैट और उससे बना होता है, खाने से बना होता है, आप तो सप्लीमेंटों से बने हैं, स्टीरॉयडों से बने हुए बच्चे, तो ये साल 2 साल 3 साल में बंदे मिस्टर हो जाते हैं, पहले ऐसे नहीं था, पहले 3 3 4 4 साल जो है वो बंदे बन जाते हैं, 6 6 7 7 साल के बाद जो है होता था, मैंने खुद सुना हुआ अपने जो बड़े हैं, जो अच्छे अभी मिस्टर पाकिस्तान भी हैं और जजिंग पैनल में बैठते, कहते 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, अब तो भाई वो 3 साल में, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी डाली है, 3 साल में वो मिस्टर पाकिस्तान के लिए खड़ा कर देते हैं। नहीं, अगर वो जिस तरह आप डाइट प्लान बताते हैं या जिस तरह आप बता रहे हो कि ये डाइट होनी चाहिए या इस तरह लेनी चाहिए, उस तरह अगर एक बच्चा चलता है, तो अगर ट्रेनर अच्छा है, बच्चा भी मेहनती है, उसके पास इतने वसाइल हाँ नहीं है। उसका टाइम पीरियड ये है कम हो जाएगा, पर ये है कि स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है, हर बंदे की रेशियो नहीं हम बता सकते,
ये जो टीचर जो उसको अच्छा ट्रेनर है, जो बड़ा जिंदगी को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा है कि इसकी जो जिंदगी है वो सबसे पहले जो है सेव करनी है मैंने, तो उसमें जो है टाइम लगता है भाई, 6 से 7 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, चाहे वो जितना मर्जी ट्रेन है, चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट है, जजेस पैनिंग में बैठता है, उसको पता है स्टेज लुक क्या है, उसको पता है कि स्टेज के कानून जवाबत क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके बाद स्टेज पे जाके खड़ा कैसे होना है, तो वो उसको भी 7 से 8 साल लगेंगे, इतनी नहीं ज्यादा देखिए, है। आप अगर नॉर्मली चलता है तो वो 7 से 8 साल लगेगा उसको। जी बिल्कुल हाँ, बाकी ये है कि जैसे मर्जी पुश करते जाएं, स्टीरॉयड डाले जाएं, सप्लीमेंट डालते जाएं, तो जाहिर बात है वो 3 साल में भी हो सकता है, 4 साल में भी हो सकता है। अगर वो 3 4 साल में होगा तो वो तो बात वही आ गई ना भैया। अगर वो ओवरडोज करते रहेंगे, स्टीराइड लेता रहेगा, सप्लीमेंट खाता बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है ना, वो तो वक्ती तौर पर ही है ना। उसके जिंदगी के दिन भी कम होते जाएंगे, जितना पुश करते जाओगे, एक मोटर है ठीक है, उसको अंदर है दिल का साइज सारा कुछ, हार्ट अटैक, इसीलिए तो आ रहे हैं 2016 से लेकर 18 तक कितने हमारे पाकिस्तान के बच्चे फोत हुए, अभी मैं नाम नहीं लेना बहुत चाहता वीडियो के, तो बहुत ज्यादा बच्चे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत हुए हैं, अमेरिका के अंदर भी 4 लोग मरे हैं जिनके जो प्रो थे ऑलरेडी, और जो छोटा तबका है जिनका नाम ही नहीं है, जो जिमों में 1 दो 2 दिन 3 दिन जो आगे का जिम करते हैं, वो भी बड़े फोत होते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं चलते ओवरडोजिंग की वजह से। पाकिस्तान के अंदर 6 जो 4 बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो प्रो लेवल पे थे, नेशनल चैंपियंस थे, वो फोत हुए हैं, तो इसी तरह ही है। अच्छा, कम ट्रेनिंग से क्या होता है? अगर ट्रेनिंग कम करें तो इससे क्या होता है? कम ट्रेनिंग से नॉर्मल मतलब कम ट्रेनिंग से मुराद ये है कि नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा है नॉर्मल ट्रेनिंग से ज्यादा। बंदा हेल्दी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उससे सेहतमंद रहेगा। हाँ, बॉडी बिल्डर के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो कम ट्रेनिंग उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो जितनी ज्यादा एनर्जी सेव करेगा उतना ज्यादा वो है, वो अपने मसल्स को अपने बिल्ड करने में उसको हेल्प मिलेगी। अगर ट्रेनिंग वो कम कर रहा है तो उसका मसल जो है उसको रेस्ट मिल रही है और वो बढ़ेगा, बिल्कुल, जितने उसको वो बढ़ेगा। अगर ओवर ट्रेनिंग करता है तो ओवर ट्रेनिंग करता है तो उसका जिस्म थका थका रहेगा और उससे बिल्ड नहीं कर सकता वो, सिंपल टू द पॉइंट, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जितना ये ओवर नहीं कि ज्यादा वो ट्रेन बढ़ करते जाओगे सकता। मसल बढ़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए उसको, रेस्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको, ठीक है, आपको आपने रेस्ट करना है, आपको जो है बिस्तर चाहिए, आपको पलंग चाहिए, आपको खामोशी चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें बड़ी रिक्वायर्ड होती है इसमें। अच्छा, अगर मसल्स जो है वो ट्रेनिंग से ही बढ़ता है तो फिर ये सप्लीमेंट और ये ग्रोथ ये किस लिए है? अगर तो मसल से जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग से बढ़ना है तो ये क्या है? ये सिर्फ एक धोखा या दिल को तसल्ली है बस? देखिए सप्लीमेंट ये होता है कि मुझे पिछले दिनों में भी एक भाई ने बड़े अच्छे से गाइड किया था, नईम अख्तर साहब ने, कहते सप्ली होता है कि एक सप्ली आ गई किसी इम्तिहान के अंदर, वो कह रहे कि एक और पेपर हो रहा है तो वहां पे जाके उसका जो है आप इम्तिहान दे दें, उसको कहते हैं सप्लीमेंट, सप्ली, ठीक है, अगर सप्लीमेंट इन्होंने लगा दिया कि जो चीज आप खाने से नहीं ले सकते वो आप जो है ये स्पोर्टर से ले लें, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बनाया हुआ है, देखे जहां पे सूरज ही नहीं है, कहीं पे तीन तीन चार चार दिन सूरज ही नहीं निकलता, कहीं पे फ्रेश फूड ही नहीं होता, बर्फें इतनी ज्यादा पड़ रही हैं यूरोप के अंदर, ठीक है, वहां पे ये फ्रेश फूड मिल ही नहीं रहा, ठीक है, कहीं पे काश्कारी नहीं होती, जड़ी बूटियां नहीं उगती, फ्रेश फूड नहीं होता, ठीक है, ये लोग उन लोगों के लिए, और दूसरा जो है कुछ लोगों का जो वर्क है वो बड़ा हार्ड है, ठीक है, 8 8 घंटे का काम है, उसमें ब्रेक ही नहीं है, तो उसने एक स्कूप डाला, हिलाया और उसको पी लिया, कि उन लोगों के लिए बात समझ आ रही है, कि जिनको जी 8 8 से 9 घंटे या 10 घंटे में टाइम ही नहीं है खाना खाने का, लाइफ बहुत बिजी है, उसने 8 से 9 घंटे में अपना बेस्ट देना है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं है, लंच ब्रेक नहीं है, दूसरी ब्रेक नहीं है, कॉफी टी की ब्रेक नहीं है, तो उसने ऐसे पानी में डाला, शेक किया, पी लिया, हाथ हाथ भी गंदे नहीं हुए, प्रॉपर बैठा भी नहीं, तो ये इसीलिए है, तो बॉडी बिल्डरों ने इससे हेल्प ली है, हेल्प लेना एक लहदा चीज है, पर उसको अपने ऊपर सवार कर लेना वो डिफरेंट चीज है। सही। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे डिजाइन करें? आपने बोला ना ट्रेनिंग डिजाइन करें, कैसे वो किस तरह ट्रेनिंग डिजाइन करें? अच्छा, सबसे पहले ये सिंपल सादा फार्मूला, सबसे पहले देखो आपके कौन कौन से हिस्सों पे मांस नहीं है, कौन कौन सा हिस्सा जो है उस पे छोटा है,
ठीक है, उसको मार्क डाउन करें, फिर उसकी डिटेल में जाए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि उसकी डिटेल में जाए, उसके साथ कौन कौन सा मसल कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक उसकी है सिर्फ ट्रेनिंग करें, बाकी आप छोड़ दें। बाकी भी ये जो है ना, जूं की तार जैसे कीड़ियों की लाइन जा रही होती है ना, ये हमारे बॉडी बिल्डर वैसे ही है, जहां से उस्ताद ने बताई है वहां से ही करनी है, ऊपर नीचे नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ कि उतनी ट्रेनिंग करें जिस हिस्से का आपका मसल मास या छोटा है या वहां पे फैट है, उसको मार्क डाउन करें, उसी को करें। अच्छा, मेरी बात, आपने ये बात बोली है जी कि जो ट्रेनर ने बताया, अगर बच्चा खुद से करता है, जब अगर कोई उसे दूसरा बताता है, कोई अच्छा भी इंसान होता है जिम में, कोई जरूरी नहीं होता जिस तरह आप बोलते हैं कि जी ये ना देखो कि ये बंदा बॉडी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हो सकता है वो उससे बेहतर जानता हो, कोच से बेहतर। अब वो अगर उसे बच्चा उससे हटके लगाएगा, अब वो कोच जो है वो ही उसे 100 बातें सुना देता है कि तू मेरे से क्यों पूछ रहा है, फिर अगर तूने खुद ही करनी है तो तू मेरे से क्यों पूछ रहा है। ये तो कोच को चाहिए ना कि कोच जी उसको जी बताए बिल्कुल कि ये बिल्कुल, चीज। इसमें भी दो दो इसमें इस बात को मैं दो हिस्सों में कैटेगरी में दो हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा। पहला ये कि पहले अपने कोच को टाइम दे, ठीक है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ठीक है, 6 वीक, उसमें देखे कि टीचर ये देखे मेरा जो है ना ये हिस्सा जो है वो कम है, उसके साथ वर्क करे, अगर नहीं फायदा हो रहा ठीक है तो ट्रेनर चेंज कर ले। एक ये, और दूसरा ये यार खुद भी तो कुछ करो, अपनी तस्वीरें उतार नहीं सकते, आपकी आंखें नहीं है, ठीक है, आप तस्वीरें देखें, राइट डाउन करें, यूट्यूब पे ट्रेनिंगें देख ले, कितने लोग ट्रेनिंगें बता रहे हैं, ये इस हिस्से की, ये इस हिस्से की, बंदा खुद भी कर सकता है। अब तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया भाई, अब तो ट्रेनर जो है वो ऑनलाइन हर चीज मिलती है, यूट्यूब पे देख ले इस हिस्से की। पहली बात यह है कि बच्चे को मैं बार बार कहता हूँ कि बास ग्रुप्स के अंदर मैंने बोला कि तानू आप ही पढ़ना पैदा, वो कहते हैं जी असं आप ही पढ़ा तो आप साहब तुम असी कातों वेखीए, तो मैं यही समझा रहे हैं वहां कि उस हिस्से जरा ना सिलेक्ट करो, उनकी ट्रेनिंग मेरे को पूछ लो, मैं तुम दस देना। मसला ये कि जब आप करोगे तो फिर ही होगा, ट्रेनर ने करवानी तो नहीं है, ट्रेनर का काम है बताना कि बेटा चल ये कर ले, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा चेंज कर लो, आपकी खुद की भी आंखें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मेरा ये हिस्सा जो है वो वीक है, उस पर वर्क करें, फजूल ट्रेनिंगे ना लगाएं, तो आपका वो हिस्सा भी डेवलप हो जाएगा, आपके जिस्म में एनर्जी भी रहेगी और जो है रिकवरी भी जल्दी होगी, और दूसरे दिन के लिए आप रेडी भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा होमवर्क से क्या मुराद है? क्या आपने बोला है होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क से क्या मुराद है, आप क्या चीज देते हो, होमवर्क क्या है? ये प्रोफेशनल बच्चों के लिए मैंने बोला था कि होमवर्क करो, कि एक आप टारगेट सिलेक्ट करो, आपने करना क्या है, गोल अचीव करो पहले, उसके लिए गोल अचीव करने के लिए पहले गोल जो है बनाओ अपने, आपने कौन सा जो है मुकाबला खेलना है, उसके लिए जो है तैयारी करो। पाकिस्तान में क्या होता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ठीक है, ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो होमवर्क से मुराद ये है कि कंटिन्यूसली आप स्कूल जाएं, अपने सारे लेक्चर जो है वो अटेंड करें, उसके बकायदा फिर जो टीचर जो बताता है उसको राइट डाउन करें, उसको जहन में रखें, जो लिखने के लिए आपको देते हैं वो याद करें, लिखें उसको कॉपी पे, नोट्स बनाएं, तो समटाइम यानी कि आपको आपके देखे। जी कहने का मतलब है कि अगर एक बॉडी बिल्डर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन खेल भी लिया है, उसके बावजूद उसको गेम नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर होता है ना गेम छोड़ देता है, जी मैं तो कंपटीशन मैंने खेल लिया बस छोड़ दिया। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर उसने कंपटीशन खेल भी लिया है तो वो फिर भी रूटीन में जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो गेम करता रहे साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसका स्टेप है आगे जाने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है, इससे ऊपर वाले लेवल पे भी जाना है, तो वो करता रहे, उसको छोड़नी नहीं चाहिए ट्रेनिंग। हाँ हफ्ते में एक छुट्टी कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, दैट्स फाइन, 3 दिन चला जाए, अगर उसका स्कूल जाना है, उसने काम है, काम का प्रेशर है, कोई सीजन है उसका, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो वो करे, छोड़ ना दे, बिल्कुल भी ना छोड़ दे। अगर हाँ अच्छा उसका गोल ये अचीव हो गया फिर छोड़ दे, दैट्स फाइन। हाँ अगर फिर दोबारा उसका माइंड बना है साल 1.5 साल के बाद, पर वो है 6 से 7 महीने जो है कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करे नेचुरल डाइट पे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी डाइट कंट्रोल करे, एक एक मील छोटा जो है कंट्रोल करना शुरू करे, फिर उसके बाद जो अल्टरनेट जैसे भी बॉडी बिल्डर लेते हैं फूड का सप्लीमेंट के जरिए वो लें, स्टेरॉइड लें, हर चीज ले, लिमिट में रह करें, ध्यान से जल्द जल्द जल्दी में जल्दबाजी में अपने जिस्म का नुकसान ना करें, मेरा मकसद ही यही है।
मुझे आप लोगों के पैसों की कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा फायदा हो ना हो, आप लोगों का फायदा ज्यादा हो, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और इसमें यही कह रहा हूं कि सब्र, आराम से, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, धीरे, कछुए की चाल से चले। जो हम पंजाबियों में बिल्कुल नहीं है, कछुए की बिल्कुल नहीं चाल है, वाली तो सही बात दूर हकीकत है ना। बात है जी। जैसे ही पैसे की रेल फेल हुई है 2011-12 के बाद, ठीक है, लोगों में हर चीज की अवेयरनेस पड़ी है इंटरनेट के बाद, उसके बाद हफरा थपड़ी पड़ गई, लोग झूठ बोलते हैं 7-8 महीनों में, ठीक है, 9-9 महीनों में, जो है कह लें कि कहते हैं कि मिस्टर पाकिस्तान बन गए, झूठ बोलते हैं भाई, ठीक है, होता होगा, पर उतना नुकसान भी तो जिस्म को कितना अंदर पहुंचाते हैं टीकों से, स्टीरॉयड से। कभी आपने जाके अपने टेस्ट तो करवाए, पहले दिल कितने, दिल का साइज क्या था, अब कितना हो गया, आपके गुर्दों के क्या अंदर हालात है, आपके मेदे का क्या हालात है अंदर, कभी जाके टेस्ट करवाएं। आधे से ज्यादा बंदों को तो यरकान एंड वाले स्टेज पे होते हैं, यरकान की, दिल का साइज बढ़ गया होता है 3-3, 4-4 इंच। अच्छा, मिस्टर होने में और गोल्ड होने में क्या फर्क है? मिस्टर किसे बोलते हैं और गोल्ड जो है वो, इसमें डिफरेंस क्या है? गोल्ड ये होता है कि आप अपनी वेट कैटेगरी में, आपने अगर आपके वेट के अंदर 75 kg आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो 75 kg में 15 लोग हैं, तो उसके अंदर जो पहले नंबर पे अच्छी फिजीक, अच्छी बॉडी और अच्छे स्ट्रक्चर का मालिक होगा, उसको गोल्ड कहते हैं। उसके बाद गोल्ड के बाद जो है कह ले के वो फिर फाइनल्स के लिए ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि हर मुल्क से जो है मिस यूनिवर्स निकलती है, ठीक है, पहले एरिया का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का होता है, फिर उसके बाद एक शहर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का, तो फिर जब वो वर्ल्ड ऊपर के लिए जाता है, तो इसी तरीके पहले बंदा 70 में गोल्ड होता है, फिर 80 का गोल्ड होता है, फिर वो जो ओवरऑल टाइटल जो जीतता है ना, उसको मिस्टर पाकिस्तान कहते हैं। ठीक गोल्ड मेडल में ये है कि वो अपने वेट कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे, उसको कहते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है अपने वेट है। नहीं, कैटेगरी में, या अपने ग्रुप के अपने अंदर, अपने वेट। अपने ग्रुप के अंदर, या जो भी उस टाइम पे मुकाबला था, जिस साल के अंदर, जितने भी लोग नहीं, जिस ये कह शहर ले से आए अपनी थे। क्लास में, अपनी क्लास जो है उसकी, अपनी जी क्लास में बिल्कुल, वो पहले नंबर पे है, इसको और गोल्ड टाइटल वो बुलेट। होता है कि ओवरऑल ये पूरे पाकिस्तान का टॉप क्लास का 2019 या 2020 या 2018 का ये ओवरऑल खूबसूरत तरीन इंसान था बॉडी में। उसको मिस्टर बोलेंगे तो हाँ, ये उसको मिस्टर मिस्टर। बोलेंगे। जी अच्छा, आपने एक चीज और बोली थी कि अच्छे ट्रेनर से छोड़ चुके हैं। अगर अच्छे और सही ट्रेनर छोड़ चुके हैं तो जो जिम में मौजूद हैं वो क्या है? वो बस ऐसे ही अपना कारोबार चला रहे हैं, उनको हाँ उसे बच्चों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने बस अपना कारोबार बिल्कुल, चलाया हुआ है। इसका जवाब मैंने आपको पहले दे चुका हूँ कि बिल्कुल, वो क्या करें जो अच्छे ट्रेनर, उन्होंने कहा ना भाई मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ये किसी और को जाके देगा, मैं ही ले लूँ। सबसे पहले कसूर बच्चों का है, अच्छे ट्रेनर बिल्कुल छोड़ चुके हैं, हकीकत बात है, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं है, सब्र ही नहीं है, पहले आपने जो सब्र थे साढ़े चाहे ही नहीं, छड़ चुके हैं। अगर जिनका जमीर ऐसी जिंदा है बात, ना, जी अगर अगर जी अच्छा जी भी अच्छा ट्रेनर भी होगा तो जाहिर सी बात है उसने कहना है, वो उसको भी तो जाके इसने देने हैं। चलो मैं ये उसको देगा, वो उससे कुछ बनता है नहीं बनता, चलो ये है, मैं इसे कुछ बन जाएगा, मेरा ये ज़ाहिर बच्चा भी बन बात, जाएगा, कुछ मेरा भी सर्कल चल जाएगा। जिनके जमीर जिंदा है वो लोग ये काम छोड़ चुके हैं, वो उन लोगों को ट्रेन करते हैं जो सबर में है, आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ और कर रहे हैं। मेरी आंखों देखी मिसाल है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। अगर मसल ठीक है, गोश्त पूरा है मसल पे, तो उस पर जब ग्रोथ हार्मोन्स लगाएंगे तो जब स्ट्रक्चर बढ़ेगा, खुलेगा, तो मसल उसे छोटा महसूस नहीं होगा? होगा, ज़ाहिर बात है कि हड्डियां ही भाई, बेसिकली भाई इससे मसल मास जो है ना नहीं बढ़ता। मेरा ओपन चैलेंज है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, जाके देख लें उस बच्चों के मसल मास जो है कभी भी नहीं बढ़े, हड्डियों की लेंथ बढ़ती है, ये हड्डियों को चौड़ा करता है, सिंपल सा सवाल है। जो बच्चे कहते हैं ना कि ये इनसे मसल मास बढ़ता है, जाके करके देख लें, फिर आके आपकी जूतियां मेरा सर। अच्छा, और ये कितनी देर पहले ग्रोथ हार्मोन लगाना चाहिए? टाइटल फाइट से कितनी देर पहले ग्रोथ हार्मोन लगाना चाहिए? टाइटल फाइट के पहले तो नहीं होता, ये होता है कि जब आप होमवर्क कर रहे होते हो ना, तब आपको अगर नीड है तो तब आप लगा सकते हैं, वो कुछ और चीजें हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे, पर वो और चीजें हैं। ग्रोथ हार्मोन्स जो है जब आप ये तैयारी कर रहे होते हैं तो तब लगाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, दोबारा चलो फिर आपसे सवाल करें।